الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم السلام عليكم ناظرين الكرام يسن القرآن نام کے ساتھ تفسیر کا لیسن نمبر 2.157 ہے یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 157 اور تھیم ہے سورے بقرہ آیت نمبر 149 یعنی 149 ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن उसके बाद तफसीर आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन हैथु खरजत फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल्हक्कु मिन रब्बिक व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें व मिन का रूट वर्ड मीम नून से है माने और से एंड फ्रॉम हैथु हा या ता से माने जहां कहीं वेर एवर खरजता खा रवाजीन से माने आप निकले यू स्टार्ट फॉर फवल्ली वाउ लाम या से माने पस रुख कर लें सो टर्न वजह का वाउ जीम हा से माने अपना चेहरा योर फेस शत वा शीन तो वा से माने तरफ डायरेक्शन अल मस्जिदी सीन जीम दा से माने अल मस्जिद अल मस्जिद अलहरामी हा वा मीम से है माने अलहराम अलहराम व इन्नहु अलीफ नून नून से माने और बेशक ही एंड इंडीड इट लल हक्कु हा ऑफ कॉफ से माने यकीनन हक है शोली द ट्रुथ मिन मीम नून से माने से फ्रॉम रब्बिका वा बा बा से माने आपका रब योर लॉर्ड वमा मीम अलीफ से माने और नहीं एंड नॉट अल्लाहु अलीफ लाम हा से माने अल्लाह अल्लाह बिगाफिलिन गैन फा लाम से माने बेखबर अन अवेयर अम्मा आयन मीम मीम अलीफ से माने उससे जो ऑफ व्हाट तामलून आयन मीम लाम से माने तुम करते हो यू डू फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें व मिन हैसु खरजता और जहां कहीं से आप निकले फवल्ली वजहका बस अपना रुख कर लें शतरल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम की तरफ व इन्नहु लल्हक्कु और बेशक यही हक है मैं रब्बिका आपके रब से व मल्लाहु बिगाफिलिन और अल्लाह बेखबर नहीं अम्मा तअमलून उससे जो तुम करते हो कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें और जहां कहीं से आप निकले बस अपना रुख कर लें मस्जिद हराम की तरफ और बेशक यही हक है आपके रब से और अल्लाह बेखबर नहीं उससे जो तुम करते हो फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें व मिन हैसु खरजता एंड फ्रॉम वेयरएवर यू स्टार्ट फूड फवल्ली वजहका सो टर्न योर फेस शतरल मस्जिदिल हराम इन द डायरेक्शन ऑफ अल मस्जिद अल हराम व इन्नहु लल हक्कु एंड इंडीड इट इज द ट्रुथ मिन रब्बिका फ्रॉम योर लॉर्ड وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ and Allah is not unaware عَمَّا تَعْمَلُونَ of what you do complete translation دیکھیں and from wherever you start forth turn your face in the direction of Al-Masjid Al-Haram and indeed it is the truth from your Lord and Allah is not unaware of what you do تفسیر آیت دیکھیں قبلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ مقرر اشارت فرماتے ہیں یعنی repeatedly یہ instruction دیتے ہیں कि ये जदीद हुकुम सिर्फ मदीने से मुख्तस नहीं बल्कि एक उमूमी हुकुम है यानी अल्लाह ताला ये इंसिस्ट करते हैं कि जो रिसेंटली हुकुम नाजिल हुआ है क़िबले की तब्दीली का वो सिर्फ मदीने से लिमिटेड नहीं है क्योंकि ये हुकुम उस वक्त नाजिल हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे बल्कि ये इंस्ट्रक्शन ये हुकुम कॉमन है यानी ये तमाम वो मुसलमानों के लिए है जो प्लैनेट अर्थ पर बिखरे हुए हैं मुख्तलिफ मुकामात पर हैं मुसलमान चाहे दुनिया के जिस गोशे में हों नमाज के वक्त वो अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ कर लें एक बात को मुख्तलिफ अंदाज में बयान करने की वजह ये है कि कमजोर ईमान वालों और मुनाफिकों के लिए हीले बहाने का मौका ना रहे इन्हें एक हुक्म एक इंस्ट्रक्शन को अल्लाह ताला रिपीटेडली थोड़े थोड़े फर्क से बयान कर रहे हैं ताकि जो बंदे नए नए इस्लाम में दाखिल हुए हैं और जो मुनाफिकीन मुसलमानों के सफ में शामिल हैं उनको कोई बहाना ना मिल जाए कहीं वो रीजंस क्रिएट करने की कोशिश ना करें लूप होल्स ना ढूंढें इसलिए अल्लाह ताला मजबूती से एक बात का हुक्म देते हैं अलग अलग अंदाज में कहीं फिर ऐसा ना हो कि मदीने से बाहर जाकर अपनी पहली रिवायत को अपनाते हुए बैतुल मुकद्दस की तरफ ही रुख करें यानी शरीर लोगों से ये उम्मीद की जा सकती है कि कहीं वो मदीने के बाहर जाएं सफर पर जाएं या दूसरे शहरों में जाएं तो फिर से बैतुल मुकद्दस की तरफ अपना रुख करें उसको क़िबला माने इसीलिए अल्लाह ताला एक हुक्म को बार बार ताकीदी अंदाज में करते हैं
इब्तदाए आयत में रोए सुखन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, जबकि मकसूद पूरी उम्मत है। यानी बज़ाहिर तो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन दरअसल सारी उम्मत को एड्रेस किया जा रहा है। चुनांचे आयत का आखिरी हिस्सा अल्लाह तुम लोगों के आमाल से गाफिल नहीं है बताता है कि मकसूद कलाम दूसरों को मुतनब्बे करना है। यानी ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की जा सकती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफरमानी करेंगे नऊज़ुबिल्लाह, बल्कि उम्मीद उम्मतियों से की जा सकती है और उम्मतियों के सब में जो मुनाफिकीन हैं, जो कमजोर ईमान के लोग हैं, उनसे नाफरमानी की उम्मीद की जा सकती है। इसीलिए आयत का फोकस वो लोग हैं। कुरान में क़िबले की तब्दीली का जिक्र कहाँ आया है और हुक्म कहाँ और कितनी बार आया है, इस बात पर हम तवज्जो देंगे। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 142 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सयकूलु सुफहाउ मिनन्नास मा वल्लाहु अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। अब तो ये बेवकूफ़ लोग जरूर कहेंगे कि इन मुसलमानों को इनके पास साबिक सिमत क़िबला यानी बैतुल मुक़द्दस से जिस तरफ पहले वो तवज्जो हुआ करते थे, किस बात ने बदल दिया। यानी यहाँ पर बेवकूफ़ लोगों से मुराद यहूद और मुनाफिकीन लोग हैं, जो मुसलमानों पर क़िबले की तब्दीली के सिलसिले में एतराज कर रहे हैं। यहाँ पर तब्दीली का जिक्र आया है। ये एक और आयत देखें, वमा जअलना अल-क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउ रसूला मिम्मन यन्क़लिबु अला अक़िबैही। यह आयत नंबर 143 है सूरह बकरा की। फरमाते हैं अल्लाह ताला, और जिस सिमत क़िबला पर आप रह चुके हैं यानी बैतुल मुक़द्दस, वो तो महज इस मसलहत के लिए था कि हमको मालूम हो जाए कि कौन तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तेबा अख्तियार करता है और कौन पीछे को हट जाता है। तो इस आयत में भी अल्लाह ताला क़िबले की तब्दीली का जिक्र करते हैं, इसमें पिछले क़िबले यानी बैतुल मुक़द्दस का जिक्र आता है। तो दो आयतों में क़िबले की तब्दीली का जिक्र आया है। आयत नंबर 144 को रिवाइज करते हैं, देखें, फवल्ली वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम वहैसु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शत्रुह। हम आपको इसी क़िबले की तरफ मुतवज्जे कर देंगे जिसके लिए आपकी मर्जी है, लो फिर अपना चेहरा नमाज में मस्जिद हराम यानी काबा की तरफ क्या कीजिए। यानी यहाँ पर सिर्फ जिक्र नहीं बल्कि हुक्म है मस्जिद हराम की तरफ रुख करने का नमाज में, और तुम सब लोग जहाँ कहीं भी मौजूद हो अपने चेहरों को इसी मस्जिद हराम की तरफ किया करो। यानी ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और सारे उम्मतियों के लिए कि वो जहाँ कहीं भी हैं अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ करें यानी बैतुल्लाह जिसको हम काबा कहते हैं उसकी तरफ करें। तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है, ये हुक्म है, पहली बार उतरा है, ये आयत हुक्मिया है और इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मतियां बैतुल्लाह को अपना क़िबला बना लें। कुरान में क़िबले की तब्दीली का हुक्म मजीद दूसरी आयतों में आया है। आयत नंबर 149 है सूरह बकरा की। फरमाते हैं अल्लाह ताला, वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ। और जिस जगह से भी आप बाहर जाएं तो भी अपना चेहरा नमाज में मस्जिद हराम यानी काबे की तरफ रखा कीजिए, और ये हुक्म आम क़िबले का बिल्कुल हक है। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सिर्फ मक्के में ही नहीं बल्कि शहर मक्का के बाहर भी जाएं तो अपना रुख बैतुल्लाह की तरफ ही रखें नमाज के दौरान। ये भी हुक्म है जो दूसरी बार अक्कर हुआ है। एक और आयत देखें जो हुक्मियां हैं, आयत नंबर 150 सूरह बकरा की। फरमाते हैं अल्लाह ताला, अमीन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम वहैसु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शत्रहु लिअल्ला यकुना लिन्नासि अलैकुम हुज्जतुन इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम। और मुकर्रर कहा जाता है कि यानी रिपीटेडली कहा जाता है कि आप जिस जगह से भी सफर में बाहर जाएं अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ रखिए, और तुम लोग जहां कहीं मौजूद हो अपना चेहरा उसी की तरफ रखा करो। यानी सिर्फ शहर मक्का ही नहीं बल्कि सिर्फ दूसरे शहरों में ही नहीं बल्कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती सफर पर भी हों तब भी रुख नमाज में बैतुल्लाह ही होना चाहिए। तो तीन मरतबा हुक्म आया है, हमने पांच आयतें रिवाइज की हैं। इनमें दो आयतों में क़िबले की तब्दीली का जिक्र आया है और तीन मरतबा क़िबले की तब्दीली का हुक्म आया है। तफसीर इब्ने कसीर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें, तीन बार नुज़ूल हुक्म यानी एक हुक्म तीन बार आया है। ये तीसरी मरतबा हुक्म हो रहा है कि रोए ज़मीन के मुसलमानों को नमाज के वक्त मस्जिद हराम की तरफ मुंह करना चाहिए। तीन मरतबा ताकीद इसलिए की गई कि यह तब्दीली का हुक्म पहली बार वाकई हुआ था, यानी ये नया हुक्म था, इसलिए अल्लाह ताला मुकर्रर इरशाद फरमाते हैं कि क़िबला बैतुल्लाह होना चाहिए। फखरुद्दीन राजी ने इसकी ये वजह बयान की है कि पहला हुक्म तो उनके लिए है जो काबे को देख रहे हैं, दूसरा हुक्म उनके लिए है जो मक्के में है लेकिन काबा इनके सामने नहीं, तीसरी बार उन्हें हुक्म दिया जो मक्के के बाहर रोए ज़मीन पर हैं। यानी हुक्म तो एक ही है लेकिन थोड़े थोड़े फ़र्क से है। तो एक
आलिम का ये कहना है कि पहला हुक्म तो वो लोगों के लिए जो काबे को देख रहे हैं, दूसरा हुक्म उन लोगों के लिए है जो मक्के में है लेकिन काबे को देख नहीं रहे हैं, तीसरा हुक्म उन लोगों के लिए है जो मक्के के बाहर हैं। कुर्तुबी ने एक तौजीह ये भी बयान की है कि पहला हुक्म मक्के वालों को है, दूसरा और शहर वालों को और तीसरा मुसाफिरों को। यानी एक दूसरा कौल ये है कि तीन बार हुक्म जो नाजिल हुआ है उसकी वजह यह है, पहला हुक्म तो शहर मक्का के रहने वालों के लिए है, दूसरा हुक्म दूसरे शहरों में रहने वालों के लिए और तीसरा हुक्म मुसाफिरों के लिए है। अहम रुकात देखें इस तफसीर के। बरहक क़िबला काबा है जो अल्लाह की तरफ से मुतय्यन है। इन्हें क़िबले तो कई हैं, कई कौमों के, कई उम्मतों के अलग अलग क़िबले हैं, लेकिन बरहक क़िबला काबा है क्योंकि अल्लाह ने इसको मुकर्रर किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से तमाम पिछली शरीयतें मंसूख हो चुकी हैं, लिहाजा मौजूदा क़िबला जो बरहक है वो काबा ही है। وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ और बेशक यही हक है आपके रब से, यानी काबे का क़िबला होना अल्लाह की तरफ से हक है। इंसान जहाँ कहीं भी हो उसे हक से जुड़े रहना चाहिए। وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ और जहाँ कहीं से आप निकले बस अपना रुख कर ले मस्जिद हराम की तरफ। यानी सिर्फ शहर मक्का नहीं बल्कि जहाँ कहीं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके उम्मत सफर पर हों, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हों, माइग्रेट हो रहे हों, ट्रैवल कर रहे हों, तो उनको चाहिए कि वैसी हालत में भी अपना रुख बैतुल्लाह की तरफ यानी मस्जिद हराम यानी काबे की तरफ करें। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين